अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक एंड मैथ्स प्रैक्टिकल कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। आज हम एक्सरसाइज 14.6 के क्वेश्चन नंबर 5 का एफ पार्ट दोबारा से करेंगे, थोड़ा ईजी तरीके से। उसके बाद 6 पार्ट भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं 135 डिग्री का एंगल किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर मेंशन कर लीजिए एक्सरसाइज 14.6 और क्वेश्चन नंबर 5 का एफ पार्ट करेंगे। एफ पार्ट में 135 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। ये देखिए, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अपने हिसाब से कितनी भी कर लीजिए और नेमिंग कर लेते हैं इसकी ए और बी पॉइंट। अब बीच में आपको कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है, ओ पॉइंट, और उसके बाद आपको कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है और ओ के ऊपर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से जैसे अभी तक करते आए हैं, ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को सी मान लेंगे और आर्क लगाएंगे। सी पर कंपास की नीडल रखेंगे, फर्स्ट आर्क लगाएंगे, फिर डी पर कंपास, इसको डी मान लेते हैं, फिर डी पर कंपास की नीडल रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे, इसे ई मान लेंगे। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। डी और ई के हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे और ये आर्क लगा देंगे। उसके बाद एक आर्क डी पर रखकर लगाए, एक आर्क ई पर रखकर लगाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद इसे ओ से ज्वाइन कर देंगे। देखिए, इस तरीके से ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए, अगर हम 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर 90 का परपेंडिकुलर अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो 45 डिग्री का एंगल इधर बनेगा, और इधर अगर आप प्लस 45 करेंगे तो 135 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इधर साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, क्योंकि 135 डिग्री का एंगल इधर साइड बनता है, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। ये डी पॉइंट है, ये ई है, इसे एफ मान लीजिए ये वाले पॉइंट को, और इसे जी मान लीजिए। अब एफ और जी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो जी के हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे कंपास को, ये देखिए, ठीक है। एक आर्क यहाँ लगा देंगे और एक एफ पर से रखकर लगाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद आप इसे लाइन को ज्वाइन कर देंगे ओ से। तो जब आप इसे ओ से ज्वाइन करेंगे तो ये 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पर बहुत सिंपल है, ये देखिए। अब इसे आप H मान लीजिए, I, J, तो इस तरीके से 135 डिग्री का एंगल ये यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। ये जो पूरा एंगल है ना, ये यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक, ये है 135 डिग्री का एंगल। बस यही ड्रॉ करना था क्वेश्चन नंबर 5 के एफ पार्ट में। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। आपको एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और फिर उसके बाद उसको बाइसेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो आंसर नंबर 6 करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 14.6 का। तो सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ कर लीजिए और 45 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो ये लाइन ड्रॉ कर ली है, नेमिंग कर लीजिए इसकी, इसे पी मान लीजिए, इसे सेंटर ओ मान लीजिए। अब क्या करेंगे, कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे और ओ पर कंपास की नीडल रखेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, इसे Q मान लीजिए, Q पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, फर्स्ट आर्क लगाएंगे। तो फर्स्ट आर्क कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो ये फर्स्ट आर्क है, ये है 60 डिग्री का, इसे R मान लीजिए। R पर रखकर जब सेकंड आर्क लगाएंगे तो वो होता है 120 डिग्री का, सेकंड वाला आर्क, इसे S मान लीजिए।
अब आर और एस का परपेंडिकुलर, आर और एस के हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। एक आर्क लगाएंगे आर पर रखकर नीडल को, एक आर्क लगाएंगे एस पर नीडल को रखकर, और अब क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे ओ से। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। जब मैंने आपको पहले भी सिखाया कि 45 डिग्री का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब हम इस 90 डिग्री के एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। इसे टी मान लीजिए। अब क्यू और टी का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है और आर्क लगा देंगे इस तरीके से। एक आर्क क्यू पर रख के लगाएंगे और एक लगाएंगे टी पर, एक को टी पर रखकर लगाना है। तो अब ये जो एंगल बना है ये 45 डिग्री का बनेगा। हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 45 डिग्री के एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। अब वापस से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है 45 डिग्री के एंगल का। तो इस बार हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, तो इसके हाफ से ज़्यादा, इसे T माना था ना, इसे U मान लेते हैं। अब Q और U का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, तो Q और U के हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे। ये देखिए, Q और U के हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन कर लिया। ये फर्स्ट आर्क लगाया है, एक U पर रखकर लगाएंगे आर्क। ये सेकंड आर्क लगा लिया। अब इसको ज्वाइन कर देंगे। तो जब इसे ज्वाइन करेंगे तो ये 45 डिग्री का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। यही हमें क्वेश्चन में करना था। ये देखिए, अब ये वाला जो छोटा एंगल है ये है 45 डिग्री, सॉरी ये जो बड़ा वाला है ना, ये वाला हाफ वाला एंगल, ये है 45 डिग्री का। और 45 का हाफ कितना होगा, 22.5, यानी ये जो छोटा वाला एंगल है ना, ये इतना छोटा सा, ये वाला एक और ये वाला एक, ये 22.5 डिग्री के हैं, ठीक है। और ये यहाँ ये वाला पूरा एंगल है 90 डिग्री का। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा इस तरीके से 45 डिग्री का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है यहाँ पर हमने। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 135 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। अब आपको 135 डिग्री का एंगल पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद उसको बाइसेक्ट भी करना है। तो आंसर नंबर 7 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 135 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, आता है वो तो हमें, है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसकी नेमिंग कर लीजिए ए और बी। उसके बाद बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए, उसे सेंटर ओ मान लीजिए। थोड़ा सा कंपास ओपन करना है और ओ पर सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और 135 डिग्री को भी बनाने के लिए सबसे पहले हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसे सी मान लीजिए। सबसे पहले सी पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, इसे डी मान लीजिए। उसके बाद डी पर रखकर दूसरा आर्क लगाएंगे, इसे ई मान लेते हैं। अब उसके बाद हमें 90 डिग्री का एंगल पहले ड्रॉ करना है, तो डी और ई के हाफ से ज़्यादा, यानी डी और ई के हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे और आर्क लगाएंगे, क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो वो इसी तरीके से होता है। अब क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये देखिए, अब अगर आप 90 का हाफ करेंगे यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, तो इधर साइड में बनता है 45 डिग्री राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में 45 प्लस होके कितने डिग्री का एंगल बनता है, 135 डिग्री का। तो यहाँ पर बनेगा 135 डिग्री का एंगल। तो क्या करेंगे, नेमिंग कर लेंगे इसकी, सी डी ई है ये, इसे मान लेते हैं एफ और इसे मानेंगे जी। अब एफ और जी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, यानी एफ और जी के हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे। एक आर्क लगाएंगे जी पर रखकर और दूसरा आर्क लगाएंगे एफ पर रखकर। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन्हें ज्वाइन कर देना है। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा,
लेकिन आपको क्या करना है, आंसर नंबर 7 में 135 डिग्री के एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, यानी इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करना है 135 का, यानी ये पूरा वाला एंगल यहाँ से लेकर सी से लेके और ये यहाँ तक, इसे एच मान लीजिए, सी और एच का पूरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, क्योंकि ये पूरा एंगल मिलाकर 135 डिग्री का है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सी और एच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, तो सी पर रखकर कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, सी और एच का कर रहे हैं इनका, ठीक है। तो एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क लगाएंगे एच पर से रखकर इस तरीके से। अब इसको सेंटर ओ से जब आप ज्वाइन करेंगे आर्क को, तो यहाँ पर 135 डिग्री का परपेंडिकुलर वाइज ये बाइसेक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये हमने 135 डिग्री को बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला है, ये पूरा एंगल है 135 डिग्री का, ये 135 डिग्री का एंगल है, और ये इतना है, ये 90 डिग्री का एंगल। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से 135 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। चलिए बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।